रेट जो लेवल है फर्स्ट सेकंड आज दोनों की कट ऑफ डाल दी तो पहले गई थी, और जितना अनुमान रहा है क्या उससे आप अप हो या डाउन हो, आज आप लोगों को रिजल्ट भी पता चल गया होगा कितनी फिर इसके आधार पर कट ऑफ रह सकती है। तो हम विश्लेषण करते हैं कम्प्लीटली, हम आपको एनालिसिस करके बताएंगे कि 18 में क्या था और 21 में क्या हुआ है, क्या वहाँ से यहाँ तक इनक्रेडिबल चेंज हुए हैं, अगर हुए हैं तो कितने चेंजेस हुए हैं, और उस चेंज का आप EWS का कितना प्रभाव इस पर होगा, साथ में जितने भी चेंजेस हुए हैं उन चेंजों के आधार पर कट ऑफ कितनी जा सकती है। जो नंबर है वो आप सभी को पता चल चुका होगा कितने कितने किसके बढ़ रहे हैं। तो 18 से हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, ये तो पक्का है कि जो कट ऑफ है वो बढ़ने वाली है। अब क्यों बढ़ने वाली है उसके कई कारण हैं, आपको पता है कि पेपर का जो लेवल था स्पेशली फर्स्ट, इतना बेहतर लेवल हो ही नहीं सका कि पेपर लगभग सरल था, पहला कारण सबसे बड़ा ये रहा। और दूसरा जो कारण है वो शायद ये भी कि जो पेपर का पैटर्न जो आप लगेगा आपको कि कल उतना ईजी, कई बार ईजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, तो उन सब चीज़ों का हम यहाँ पर इनक्रेबल करेंगे। जो परिणाम निकालेंगे वो 90-10 के अनुपात में निकालेंगे, मतलब कई रीट के जो हैं और साथ में उनका स्नातक भी है, तो रीट और स्नातक दोनों को इसके अंदर शामिल करेंगे। उस आधार पर हमको फटाफट पिछली बार क्या रहा, इस बार क्या रहेगा, लेवल फर्स्ट का क्या होगा, सेकंड का क्या होगा, और सभी सब्जेक्ट, जी हाँ, मैथ से हो आप, साइंस से हो, मैथ साइंस से आप, इंग्लिश से आप, हिंदी से, हम आपको कम्प्लीटली एनालिसिस करके बताएंगे। तो फिर सब्सक्राइब कौन करेगा भाई, आप करोगे, और शेयर आप इसे ज़रूर कर देना, क्योंकि हमने आज तक जो कट ऑफ बताई है वो आप लोगों के लिए लगभग फिक्स रही है। उन्हीं कट पर हम बात करते हैं कि हुआ क्या क्या है और क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि जो 2018 है और 2019 है, इस 18 और 19 के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, मतलब जो आपकी कट ऑफ है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। एक तो हमने जैसी बात की कि पेपर का लेवल ज़्यादा वो नहीं था, दूसरा ये भी है कि बच्चे भी बढ़े। देखिए जो लेवल 2 की बात कर रहे हैं उसे मैं आपको ये बता दूँ, जब 90-10 का अनुपात निकाल रहे हैं मतलब किसी के रीट में अलग है और उसकी स्नातक में अलग परसेंट बढ़ रही है, तो दोनों को जोड़ करके 90-10 का आपका अनुपात हम यहाँ लेकर के चल रहे हैं। आपका कट ऑफ जो है वो कितना रह सकता है, और तुम्हारा भाई जो बता रहा है वो अधिकतम लेकर के चल रहा है, क्योंकि बाद में ना हम आपको पल भर की वो खुशी देना नहीं चाहते हैं ताकि बाद में आपको बहुत गम दे। मैं कई यूट्यूब चैनल हम लोग भी देखते हैं तो वहाँ देखा तो पता चला इतनी कम कम कट ऑफ बता रहे कि इतना कम जा नहीं सकता, ये आप भी जानते हो बहुत बेहतर तरीके से जानते हो, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है इस चैनल को देखने की, ताकि आप कुछ समय के लिए जरूर लगे हाँ मेरा हो जाए नहीं, बाद में आपके निराश हाथ लगे, हो सकता है अभी जो मैं कट ऑफ बताऊँगा उससे आप निराश हो जाए, लेकिन आपको एक संतुष्टि मिलेगी, हम अच्छे चैनल पाए, हमें सही बताया, सच बताया ना बाबू, वो कड़वा ज़रूर होता है लेकिन उसे बाद में सुकून भी देता है कि जी हमको सच बता दिया था। तो उसी सच के आधार चलते हैं, पहले बात करेंगे लेवल फर्स्ट की और क्या होगा अगर लेवल फर्स्ट वालों के साथ BSTC वालों को, या जो सॉरी लेवल फर्स्ट है उसमें BEd को भी शामिल कर लिया जाता है तो क्या आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। जी आप बढ़ेंगी निश्चित तौर पर आपकी दिक्कतें, फिर ये मानो कि ये परसेंटेज है ना ये ड्रीम इलेवन तरह छलांग लगाएगी, आपका रैंक कब 70 से वो 7 लाख हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो अगर शामिल किया जाता है तो इनक्रेडिबल मोमेंट है ये आप लोगों के लिए, और नहीं किया जाता है उसके आधार पर हम आपको कट ऑफ बता देते हैं। तो इसमें जोड़ के चलना कि कम से कम 5 जोड़ लेना अगर लेवल फर्स्ट में लेवल सेकंड को शामिल कर लिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लेवल फर्स्ट के अंदर जो है वो कट ऑफ जो रही है वो किस आधार पर रही है और कितनी रही है। पहले हम लेवल फर्स्ट की बात कर लेते हैं क्योंकि जितने विद्यार्थियों से हमारी बात हुई हम उसके आधार पर भी बता रहे हैं, इसमें सारे जो आंकड़े हैं वो ले लिए गए हैं। चलिए रीट 2018 था उसका जो फाइनल रिजल्ट आया था उस फाइनल रिजल्ट में क्या हुआ था पहले तो उसकी बात करते हैं, ताकि अब इससे होगा क्या सर उस समय तो पद भी कम थे इस बार पद भी ज़्यादा हैं और भी पेपर भी, लेकिन पेपर का लेवल भी तो डाउन हो गया ना, तो उन सब चीज़ों को हमने इनक्रेबल किया है फिर परसेंटेज आप लोगों ने निकाल के दिए। देखते हैं ये मैं परसेंट निकाल रहा हूँ, आंकड़े आप लोग निकालना जानते हो अच्छे से। उस समय जो जनरल कैटेगरी है उसका 74% रहा था, 111 अंक जिसके आए थे वो सेलेक्ट हो गया था 150 में से। OBC वालों की रीति 72 यानी कि 108 पे हो गया था। MBC वाले जो हैं उनका 70.67% जो हाँ उसके साथ उनका भी हो गया था। जिनके 68 थे SC में उनका हो गया था, और जिनके ST में 98% है उनका भी हो गया था। तो ये तो बात हुई 2018 की कि जिसके 74-75 क्षेत्र आए वो हो गया। अब उसमें जो है वो इनक्रेडिबली 5-6% उसमें ज़रूर क्या होता है आपको पता है कि हर 5 से 6 साल के अंदर कट ऑफ बढ़ रही है, तो 5 से 6% यहाँ पर कट ऑफ जो है वो इंक्रीज हुई है
तो इनक्रीज क्यों हुई है आप अच्छे से जानते हो, कोई कॉम्पिटिशन बढ़ाए। देखिए अब हम बात करते हैं 2021 में संभावित क्या रह सकती है। देखिए जनरल जो कैटेगरी है उसकी मान के चलिए कि 80 आपके अगर परसेंट बन रहे हैं तो आप सेलेक्ट हो, ओबीसी में भी आपके वही 76 के आसपास हैं, ऊपर होने चाहिए 76 है तो आप सेलेक्ट हो, एमबीसी में 74 से ऊपर है तो आप सेलेक्ट हो। ये मैं अधिकतम लेकर के चल रहा हूँ, इससे कम रह सकती है, ज़्यादा नहीं रह सकती है, तो ये अधिकतम लेकर के हम चल रहे हैं ताकि आपको बाद में निराशा नहीं हो। एससी जो है उसका 71-73% रहने वाला है और मान के चलना, क्योंकि बाद में आप लोग गाड़ियां ना दो इसलिए हम पहले ही उसको थोड़ा सा सभी आंकड़े निकालने के बाद आप लोगों को बताया जा रहा है। एससी का बता दिया 71 और एसटी का मान के चलिए 68-70% अगर आपके लेवल फर्स्ट में बढ़ रहे हैं तो आप आराम से क्या हो सिलेक्ट हो। ठीक है, करना क्या करना वही है, यार पूरी वीडियो देखोगे ना तो शेयर कर दो, क्योंकि छोटे जरूर हैं लेकिन काम बड़े वालों से भी बड़ा करते हैं, क्योंकि अक्सर छोटे तीर ना गांव गंभीर देते हैं भैया। चलो अब बात करते हैं, ये तो लेवल फर्स्ट का संभावित हो गया, अब हम बात करते हैं कि लेवल टू, क्योंकि अगर लेवल टू है उसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो आप ये मान के चलिए कि उस समय 70 रीट प्लस 30 जो है आपके स्नातक, क्योंकि सबके स्नातक में अलग अलग होते हैं इसलिए हम आपको उस आधार पर जोड़ करके बता रहे हैं कि ये जो निकल रहे कट ऑफ है दोनों को जोड़ने के बाद निकल रही, हो सकता है आपके अलग अलग बन रहे हैं, सबके अलग अलग बनते हैं स्नातक में किसी के अलग मेरिट में, तो दोनों को जोड़ करके बताया जा रहा है। 18 में जो कट ऑफ रही थी पहले उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि 21 में क्या हो सकता है। जी हाँ, जनरल लेवल टू की बात करते हैं तो उस समय जनरल की 73 रही थी, ठीक 73.53, और ओबीसी था उसका भी 73.02 रहा था, जबकि जो एमबीसी है उसका 72.98 रहा था, और एससी का जो है वो 70.12 रहा था, और जो एससी है उसका आपका 68.88% रहा था। तो ये 18 का है, अब क्योंकि आप 21 में जीरो, ये जी 21वीं सदी का ये भारत है तो अब इसमें आप आ चुके हो। जनरल की है मान के चलिए 80% अगर आपके बन रहे हैं तो आप सेलेक्ट हो, अधिकतम हम लेकर चल रहे हैं हो सकता है 78 भी रह जाए, कम रहेगा इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ओबीसी का वही लगभग मैं सेम लेकर के चल रहा हूँ, उसके बाद एमबीसी का मान के चलिए कि 78 अगर आपके हैं तो आप निश्चित तौर पे सेलेक्ट हैं, और एससी के आपके 76 होने चाहिए और एसटी में आपके 72 हैं। तो ये इनक्रेबली बताया जा रहा है, इनक्रेज करके इस वजह से बताया जा रहा है, और मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, डोटा सर जी की कृपा कहाँ कितनी हो गई होगी, तो ये उस आधार पर हम थोड़ा सा इसको बढ़ा करके ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बाद में आप लोग फिर गालियां देते होगी, आपने तो 65 बताई थी जनरल की इतनी चली गई, तो हम ऑलरेडी सब देखे, पहले आपको आंकड़े ना मेंटेन करने पड़ते हैं, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। आंकड़े क्या कहते हैं, आंकड़े दुबई के कहते थे कि अगर आप पहले बैटिंग करोगे तो जीतना मुश्किल है, हुआ भी वही, तो हम आंकड़ों पर चलते हैं ना, क्योंकि आंकड़े सच्चाई कहते हैं। लेवल टू की हम बात कर रहे हैं अब लेवल टू में हम आपको सभी सब्जेक्ट की बताएंगे, उसके बाद निकाल के ना जो मजा आने वाला है, लेकिन मजा तब आएगा जब आप लोग सब्सक्राइब के बटन के दबाओगे, इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दोगे, आपके घर में जो खुशियाँ आई है ना, ये तो बाबू डबल बम्पर डबल बम्पर, जी हाँ अन अकेडमी क्रिकेट ने सिक्स है, ये उसी प्रकार से इस प्रकार से ना आईपीएल में रखते हैं, तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट, आप सभी को शुभकामनाएं अग्रिम हमारी तरफ से, जितने भी आप लोग सफल हुए हो आपकी मेहनत का परिणाम है, क्योंकि शेर को शिकार करने के लिए ना वो चालाकी थी, वो चालाकी आपने दिखाई है, बहुत मेहनत किया। चलिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी को यूएसएस और डीएसएस चैनल की ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। सबसे पहले लेवल टू में हम लोग मैथ और साइंस की बात कर लेते हैं, 18 में क्या हुआ था पहले उसकी बात करेंगे, उसके बाद 21 में क्या हो सकता है उसकी बात करेंगे। देखिए ना भगवान मैं हूँ, ना भगवान सुभाष जी चारण है, ना कोई और है, भगवान कोई नहीं है, सब अनुमानित बताते हैं, लेकिन उसके आसपास रहेगा, मैं थोड़ा अधिकतम लेकर के चल रहा हूँ, मुझे लगता है कि इतना ही जाएगा। आप आकर के अपने भाई को ना थैंक्स बोलोगे, थैंक्स कि आपने सही बताया था। देखिए जनरल की रही थी 75.17%, ओबीसी का रहा था 73%, एमबीसी का रहा था 72.56%, एससी का रहा था 68.27% और एसटी का रहा था 64.82%। मैं बात कर रहा हूं किस सब्जेक्ट की, सर मैथ और साइंस की आप बात कर रहे हैं, तो अब हमारे कितने होने चाहिए कि हम सेलेक्ट हो जाएं। तो आपके अगर 2021 की बात कर रहे हैं, अगर आपके 80-82% हैं, आप निश्चित तौर पे बाबू सेलेक्ट हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, 78.80% है, आप सेलेक्ट हो मान के चलिए। एमबीसी में आपका 77% से ऊपर होना चाहिए, 77-78, और एससी में आपका 73 पॉइंट
73 से 75 होना चाहिए। एसटी में आपका 68 से 70% के बीच अगर होगा तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। ये बाबू आपकी मैथ और साइंस की है, ठीक है? ठीक है। इंग्लिश, पिछली बार इंग्लिश की कट ऑफ कम रही थी, क्यों? क्योंकि एक तो फॉरेन लैंग्वेज है, किसी का बाप नहीं समझता है, और हमने भाई साहब जो करवाई थी ना उससे बाहर लेवल फर्स्ट वालों का कुछ गया ही नहीं है। प्री पोजिशन और सब चीज़ हमने करवाई थी, आपको एरर करवाए थे, तो इसलिए तो कहा जाता है ना लेवल की वजह से इस चैनल को आप अनदेखा करके चले जाते हो। लेवल जिन्होंने देखा है ना उनको पता है क्या करना है, उनको पता था क्या करना है, भले वो 3435 व्यू हो, लेकिन 3435 में से आज जिनका इंग्लिश का था जिनका हिंदी का था उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है कि आप पूछिए मत। चलिए आप भी करेंगे, चिंता मत कीजिए, फटाफट से कर लीजिए अब इसको सब्सक्राइब, क्योंकि इंग्लिश में उस समय पद जो थे वो ज़्यादा थे और भरने वाले कम थे, फॉर्म फॉरन लैंग्वेज है, लेकिन इस बार पद भी बढ़े हैं तो उस आधार अपने परसेंटेज को थोड़ा बढ़ा के लिए। उस समय जनरल की 67 रही थी, ओबीसी की आपकी 66 रही थी, एमबीसी की 65 रही थी आपकी, एससी की 62 रही थी और एसटी की आपकी 58 रही थी, लेकिन अब ये नहीं रहेगा, अब ये थोड़ा उछाल लेगी 4% तकरीबन। तो 72% है वो आपका किसका है, अंग्रेजी का जनरल, अगर आपके 72 बन रहे हैं इंग्लिश से तो आप 100% पास हैं। ओबीसी में आपके 72 है तो आप पास हैं। एमबीसी से आपके 70% है आप पास हैं। एससी में आपके 66% है, ये अधिकतम कट ऑफ है, और एसटी का 62 है, बाकी सबका हम आपको आराम आराम से बता रहे हैं। तो इतना रहेगा, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो, क्योंकि बाद में गाली देने के लिए आपको चाहिए भी तो सही ना। लेवल टू में अगर हिंदी की हम लोग बात करते हैं तो देखिए जनरल का उस समय 18 में जो रहा था पहले उसके आंकड़े बता दिए जाते हैं। 71 रहा था जनरल का हिंदी का, क्योंकि इजी लैंग्वेज समझ के सब ले लेते, लेकिन बाबू इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। ओबीसी का 71 रहा था, एमबीसी का 70 रहा था, एससी का 68 रहा था और एसटी का 67 रहा था। तो हम इससे क्या अनुमान लगा लेते हैं कि अब कितना रह सकता है। जनरल का 72 है, ओबीसी का 74 है, एमबीसी का 73 है, एससी का 72 है, एसटी का 71 है। इतने आपके हैं तो आप बिल्कुल सेलेक्ट हैं, बिल्कुल चिंता मत करो, आराम से दीपावली मनाओ, ठीक। अब हम ये एक सर्विसमैन की बता देते हैं, इसके लगभग लो रहेगी, कम रहेगी जितनी हो सकती है। कारण क्या है, क्योंकि हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि एक सर्विसमैन ने कितने रिफॉर्म डाला है, कितने लोग एग्जाम में बैठ पाए होंगे और इनका कम ही जाता है, तो यहाँ हम लोग तो मान के चलिए सबसे लो इन्हीं का रहेगा। जो विधवा हैं उनका 60% रहेगा, और स्पेशल संदेश है मैथ साइंस में जिनके 60% बन रहे हैं आप पास हो, आपको कोई नहीं रोक रहा है, 55 भी है तो आप पास हो, आपको कोई नहीं रोक रहा है। डिवोर्स जिन्होंने दिया है उनका 65% रहने वाला है। दोस्तों ये बिल्कुल जो आपको आंकड़े बताए गए ये सटीकता पर आधारित हैं, हमारी एक्सपर्ट जो टीम है उनके आधार पर एनालिसिस करके आप सभी के लिए बाहर से आंकड़े निकाल कर क्या रह सकता है, कितने लोग एग्जाम में बैठे। दो ऐसे भी हैं जिनके 148 से 150 में से वो तो टॉप पर हैं, दो ही क्वेश्चन की गलती हुए हैं, तो आप लगा सकते हो पेपर का लेवल क्या रहा होगा और आप हकीकत में किस जगह पर, ये भी आपको पता चल गया होगा आप कितनी आप लोगों ने तैयारी की है। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जो इस कट ऑफ को पार कर रहे हैं वो, और ये इस कट ऑफ पर हैं वो, आप सब लोग सेलेक्ट हो, बर्फियाँ खाओ आराम से, अपने परिवार वालों को बर्फियाँ खिलाओ, बहुत आप लोगों ने मेहनत की, उसी मेहनत का ये परिणाम है। DSR की तरफ चैनल की तरफ से आप लोगों को एक बार फिर अग्रिम शुभकामनाएं, धन्यवाद, मिलेंगे आप लोगों को एक और इनक्रेडिबल और मोमेंटम वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, हैप्पी दिवाली आप सभी को, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, प्लीज़ घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और अभी भी आप मास्क और सैनिटाइजर इस्तेमाल करते रहिए, क्योंकि देश है तो हम लोग हैं, क्योंकि इंडिया इज फर्स्ट फॉर आवर, देश हमारे लिए क्या है, पहले है। जय हिंद, जय भारत।